ग्राफिक so, डिज़ाइन के जो दो बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के हवाले से ना सिर्फ नॉलेज होना ज़रूरी है बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को अपने डिज़ाइंस के अंदर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं फर्ज कर लीजिए कि आपको खाने की कोई डिश तैयार करनी हो अब आपको कौन सी दो चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होंगी नंबर एक आपको चाहिए होंगे इंग्रेडिएंट्स और नंबर दो आपको चाहिए होगी रेसिपी जी हाँ इंग्रेडिएंट्स आपको प्रोवाइड करेंगी वो मटेरियल जिसके ज़रिए आप वो डिश बना पाएंगे और इसी तरह से रेसिपी से आपको वो तरीका मालूम होगा जिसके ज़रिए से आप उस डिश को तैयार कर सकते हैं तो अगर डिज़ाइन के हवाले से बात की जाए तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जो है, वो हैं जो है, वो डिज़ाइन के मान लीजिए कि इंग्रेडिएंट्स हैं जबकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हैं वो डिज़ाइन की रेसिपी है दोस्तों बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के हवाले से एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को डिज़ाइन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है यानी कि ये वो मटेरियल है जिससे डिजाइन की बुनियाद खड़ी होती है उसका स्ट्रक्चर जो है वो वाज होता है दोस्तों डिज़ाइन के अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है वो ये हैं डॉट लाइन शेप स्पेस साइज कलर टेक्सचर और वैल्यू दोस्तों अब हम बात करेंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डिजाइन के हवाले से यानी के डॉट की डॉट जो है इसको सबसे पहला फोर मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिजाइन के हवाले से जाना जाता है दोस्तों जब आप कोई ड्राइंग बनाते हैं तो आप लाइंस लगाते हैं और लाइंस को मिला के आप एक पूरी शक्ल किसी भी ऑब्जेक्ट की बना देते हैं अगर आप गौर करें तो आपकी ये ड्राइंग स्टार्ट किसी एक डॉट से हो रही है इसी तरह से आप किसी भी पेंटिंग को उठा के देख लीजिए उसका भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कोई एक डॉट ही होगा सेम केस इज विद ग्राफिक डिजाइन ग्राफिक डिजाइन में हम जब भी कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो डॉट से ही होता है इसी तरह से फोटोग्राफी की बात कर लीजिए आप किसी फोटोग्राफ को देख रहे हो उसके अंदर जो ओवरऑल आपको इमेज नजर आता है दोस्तों वो छोटे-छोटे कॉम्बिनेशन की, की मदद से आपको नजर आता है फोटोग्राफी की तरह टीवी या फिल्म के अंदर भी आपको स्क्रीन के ऊपर जो विजुअल या जो तस्वीर नजर आ रही होती है दोस्तों बेसिकली वो डॉट्स के कॉम्बिनेशन की मदद से ही आपको नजर आ रही होती है अच्छा डॉट को उर्दू के अंदर नुकता भी कहा जाता है और आपको मालूम है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर नुकते की बहुत ज्यादा अहमियत है दोस्तों आप शायरी को उठा के देख लीजिए या आप आर्ट्स की दूसरी फील्ड्स के हवाले से अगर देखें तो नुक्ते की हमारी डेली लाइफ के अंदर और फनोने लतीफ़ा के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत है इसी तरह से कोई डिस्कशन हो या कोई डिबेट हो वो भी स्टार्ट एक नुक्ते से ही होती है फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हों। डेफिनेटली आपकी बात किसी एक नुक्ते से शुरू होगी और फिर चलते चलते वो पूरी एक डिस्कशन या डिबेट की सूरत अख्तियार कर जाएगी तो इस तरह से हमें पता क्या चला कि नुक्ता या डॉट हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मैं मशहूर सूफी बुजुर्ग मोहतरम बाबा शाह साहब का ये मिसरा बताना चाहूँगा कि एक नुकते गल गलम दी बाबा बुल्ले शाह साहब ने भी अपने इस मिसरे के अंदर कुछ यही बात बयान करने की कोशिश की है कि तमाम दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं वो एक नुकते पे ही डिपेंड करती हैं दोस्तों फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर डॉट के लिए हमें जो वर्ड मिलता है वो है पॉइंट और ये पॉइंट ही वो वर्ड है जिसकी बेस पे पॉइंटलिज्म की एक पूरी आर्ट एंड डिजाइन मूवमेंट यूरोप के अंदर शुरू हुई दोस्तों पॉइंटलिज्म यूरोप के अंदर बहुत ही मशहूर आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट के तौर पे जानी जाती है इस मूवमेंट में होता क्या था दरअसल इस मूवमेंट के अंदर काम करने वाले आर्टिस्ट और डिजाइनर्स डॉट्स की छोटे और बड़े डॉट्स की मदद से अपनी पेंटिंग्स, अपने डिजाइन या आर्ट पीसेस बनाया करते थे मिसाल के तौर पे जॉर्ज सरे जो कि एक मशहूर पेंटर है उनकी इस पेंटिंग को ही देख लीजिए अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखें और क्लोजली इसका मुशाह करें तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली जॉर्ज सरे ने इस पेंटिंग को मुख्तलिफ बेशुमार छोटे और बड़े डॉट्स को कंबाइन करके बनाया है इस तरह से इन्होंने एक खूबसूरत विजुअल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉट्स की मदद से क्रिएट किया है अच्छा डॉट्स की जब हम बात करते हैं डिज़ाइन के हवाले से तो दोस्तों याद रखिएगा कि डिज़ाइन के हवाले से डॉट्स छोटे स्केल पे भी हो सकते हैं बड़े स्केल पे भी हो सकते हैं उनका साइज कुछ भी हो सकता है वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकते हैं कलर्ड भी हो सकते हैं थिक भी हो सकते हैं और थिन भी हो सकते हैं इसी तरह से डॉट्स को लेके ग्राफिक डिजाइन के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सिमेट्री और एसिमेट्री का दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन डिजाइन के अंदर इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है दोस्तों जब डॉट्स एक खास सीक्वेंस के अंदर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और कोई विजुअल क्रिएट करते हैं तो इसको हम डिज़ाइन के अंदर सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन कहते हैं इसके बरक्स जब डॉट्स आपस में रैंडमली मिलते हैं यानी बगैर किसी सीक्वेंस के मिलते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से एक विजुअल तरतीब होता है तो हम इसको कहते हैं ए सिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन दो मशहूर पेंटर वेजिली कंडी का ये कहना है एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम अ डॉट यानी कि हर चीज़ की इब्तः जो है वो डॉट से ही होती है तो यूँ हमने ये देखा कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन के अंदर आर्ट्स में पोइट्री में हमारी डेली लाइफ में डॉट की कितनी ज़्यादा अहमियत है दोस्तों नेक्स्ट लेसन के अंदर हम लोग बात करेंगे सेकेंड एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के हवाले से जो कि है लाइन